तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2021 के मिक्स के लैडर मैच के विनर के प्रेडिक्शन के बारे में, जहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मनी इन द बैंक 2021 के मिक्स के विजेता के बारे में, कौन कौन से सुपरस्टार जीत सकते हैं इस बार मनी इन द बैंक, उसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी इसे लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले गाइस मैं इस लिस्ट के अंदर नाम शामिल करने वाला हूं हमारे बिग ई का, और भाई बिग ई में भी हमें इस बार मनी इन द बैंक जीत भी दिखाई दे सकते हैं। और गाइस यहां पर से बिग ई वो फैक्ट कंटेंडर है मनी इन द बैंक 2021 के लिए, मिस्टर मैन के बिग ई फेवरेट सुपरस्टार है। और मैंने आपको बताया था कि बिग ई के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ अच्छे प्लान्स है और स्टिल उनको जो अच्छी बुकिंग मिलने वाली, तो आई थिंक मनी इन द बैंक के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। स्टिल कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले रूमर्स आ रहे थे भाई बिग ई जो है हमें रॉयल रंबल जीते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद वो रूमर इसको फेस करेंगे, पर स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टिल बिग ई को जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दी थी, पर खैर आई थिंक हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि इस बार बिग ई जो है मेंस के मनी इन द बैंक को ब्रीफकेस को हासिल कर सकते हैं इस बार 2021 के अंदर। नेक्स्ट सुपरस्टार का मैं नाम यहाँ पर रखूं तो गाइस यहाँ पर से आते हैं हमारे स्मैकडाउन के स्विस सुपरमैन यानी कि सेजारो। एंड गाइस यहाँ पर से सेजारो एक काफी बड़े अंडरडॉग है पूरे पर्टिकुलर स्मैकडाउन के रोस्टर के ऊपर, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और भाई सेजारो एक अच्छे सुपरस्टार है, जिस हिसाब से 2021 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका बिल्ड शुरू कर चुकी है, 2020 से उनका बिल्ड शुरू कर चुके, वो काफी फायदेमंद हो चुका है सेजारो के लिए। और भाई सेजारो के लिए एक अच्छा और पुश चाहिए सेजारो को, तो भाई उनको जो है मनी इन द बैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सेजारो के लिए। और भाई सेजारो के पूरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट के अंदर मैच मनी इन द बैंक जीतने सेजारो के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और भाई सेजारो हमें मे भी जीतने हुए दिखाई दे सकते हैं इस बार मनी इन द बैंक 2021 को। और लिस्ट के अंदर मैं आगे बढ़ू तो यहाँ पर से मंडे नाइट रॉ से सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे मॉडर्न डे महाराजा यानी चंदर महल। और गाइस चंदर महल हमें मे भी शॉकिंग थिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि जीत सकते हैं इस बार मेंस के मनी इन द बैंक को। और भाई चंदर महल भी काफी बढ़िया सुपरस्टार है, कैपेबिलिटी वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंप रह चुके हैं, स्टिल उनका रॉक अंदर रिटर्न करवाया उसके बाद उनको गायब कर दिया, और भाई उनको जो यहाँ पर से उनके साथ जो है कंपनी भी अपने उनको दिए, जहाँ पर से वीर एंड शैंकी के साथ उनकी टीम है, काफ़ी एक मतलब एक हील फैक्शन लग रही है। और फिर इसी को आगे बढ़ने की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है इस बार चंदर महल के हाथ के अंदर मनी इन द बैंक, और भाई काफ़ी बढ़िया हो सकती है और भाई रॉक लिए भी एंटरटेनिंग चीज़ बन सकती है चंदर महल के हाथ में यूनाइट मनी इन द बैंक 2021। नेक्स्ट थिंग की मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं हमारे स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस। और भाई यहाँ पर हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एक ऐसा पूरे इंडस्ट्री के अंदर रेसलिंग के अंदर बड़ा नाम है, जो कि कुछ भी कर चीज़ें जो है करके दिखा सकता है। और भाई सेथ रॉलिंस फॉर्मर मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, और भाई सेथ रॉलिंस ने भाई क्या मनी इन द बैंक जीत कर मतलब जो है हाइप बनाई थी भाई, वो किस पर कैशिंग करेंगे ऐसे वगैरह। और स्टिल सेथ रॉलिंस ने भाई जब जो है रेसलमेनिया से बड़े प्लेटफॉर्म के मेन इवेंट के अंदर अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कैप्चर की थी, तो भाई पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया हिस्ट्री के अंदर वो लाउडेस्ट थिंग बन चुकी। तो गाइस यहाँ पर सेथ रॉलिंस एक बहुत परफेक्ट नाम है और सेथ रॉलिंस जीते हुए दिखाई दे सकते हैं इस बार मैच मनी इन द बैंक को। नेक्स्ट सुपरस्टार आता है गाइस मंडे नाइट रॉ की तरफ से हमारे द स्कॉटिश वॉरियर यानी कि हमारे ड्रू मैकइंटायर, और भी क्लेमर कंट्री के राजा हमारे ड्रू मैकइंटायर इस लिस्ट के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार है, काफी अंडरडॉग है, उनको स्टिल हेल इन अ सेल के अंदर फेस करना है बॉबी लैशली को। अगर वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप नहीं जीते तो उनको स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू जो आगे मौके नहीं देने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, इसलिए प्लेशन ऑफिशियल हो चुकी है, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती कि भाई उसके पास जो है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बट स्टिल मनी इन द बैंक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर ड्रू मैकइंटायर जीतकर कैश इन करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो भी लैशली की। और भाई यहाँ पर से भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है ड्रू मैकइंटायर के लिए, और भाई ड्रू मैकइंटायर मैच मनी इन द बैंक को जीतकर एक काफी अच्छा मोमेंटम फिर से दोबारा गेन कर सकते हैं लाइव ऑडियंस रिटर्न होने के बाद। नेक्स्ट सुपरस्टार आता है यहाँ पर हमारे स्मैकडाउन की ओर से हमारे जिमी उसो, और गाइस जिमी उसो को मैंने सरप्राइज लिस्ट के अंदर शामिल किया है क्योंकि इसका रीजन है भाई स्मैकडाउन के ऊपर और अच्छे तरीके से चीजों को इम्प्रूव करना। रूमर है सेंस जिमी उसो इन जीवस की स्टोरी लाइन चालू है, सिंस जिमी उसो रूमर इसको एग्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जिमी उसो ने रूमर इसको पहले एग्नॉलेज कर दिया है, बट स्टिल जिमी उसो कि भाई उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली, बट स्टिल जिमी उसो मनी इन द बैंक में पार्ट लेकर चैंपियन
के समय जीते हुए दिखाई दे सकते हैं और जो है हमें वो ब्रीफकेस जीत कर जो है रोमन रेंस के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। कुछ हमें सन्नारा भी देखने को मिल सकता है या फिर वो जो है रोमन रेंस के ऊपर भी ट्राई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है स्मैकडाउन के ऊपर पर के नेक्स्ट सुपरस्टार के ऊपर में तो गाइस यहां पर से आते हैं हमारे द रेडर आर सुपरस्टार यानी कि एज। और गाइस एज एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि हमारे एज जो है अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट एक सुपरस्टार जो कि WWE के अंदर जो है कुछ भी चीजें कर सकता है। एज ने भी दो बार मनी इन द बैंक जीता है भाई, दो बार उन्होंने कैश इन किया अपना टाइटल बैंक मनी इन द बैंक और भी उन्होंने कैश इन करके सक्सेसफुली चैंपियनशिप भी हासिल किया। और भाई एज आ रहे हैं वापस जब जो है लाइफ ऑनर्स होने वाले हैं रिटर्न और गाइस पहले स्थान पर वो अपीयर होने वाले। और गाइस क्या थिंग हो सकती है भाई एज आएंगे और भाई एज ऑफिशियल अपनी एंट्रेंस अनाउंस कर देंगे मनी इन द बैंक के लिए। और भाई सक्सेसफुली एज जो है चैंपियनशिप जो है हमें ब्रीफकेस भी दिखाई जीते हुए दिखाई दे सकते हैं मनी इन द बैंक 2021 के अंदर। रेस फाइनल लिस्ट के अंदर शामिल होता है वो है गाइस काफी बड़ा अंडरडॉग काफी सरप्राइज यानी कि हमारे फिन बैलर। और गाइस यहां पर से हमारे फिन बैलर हमें इस बार मनी इन द बैंक का पार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिन बैलर की एनएक्सटी का सुपरस्टार है जो कि बहुत समय से जो है चर्चा के अंदर आ रहे हैं कि वो जो है मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन पर मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब फिर से एक बार रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस क्या होगा अगर भाई फिन बैलर रिटर्न करते और भाई अपनी एंट्रेंस कर देते हैं ऑफिशियल मनी इन द बैंक 2021 के लिए और भाई वो पार्ट लेते हैं मनी इन द बैंक के अंदर और गाइस पार्ट लेने के साथ ही साथ वो जीते हैं मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। तो गाइस क्या हाइप होगी WWE के अंदर, लाइव ऑडियंस साथ होगी WWE के अंदर भाई, लाइव ऑडियंस का क्राउड का सारा चीयर्स वगैरह फिन बैलर को इवन मिलेगा, साथ ही साथ भाई फिन बैलर की एक अलग ही हाइप वो जो है क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भाई फिन बैलर भी एक काफी अंडररेटेड सुपरस्टार है, फिन बैलर एक काफी WWE के अंदर अच्छे सुपरस्टार जिनको जो है WWE के अंदर अच्छे मौके स्टिल मिलने चाहिए। और भाई यहाँ पर से उनका भी मेन रोस्टर के ऊपर करियर अच्छा गया पर स्टिल इतना भी WWE उनको जो करियर अच्छा दिया नहीं था पर स्टिल WWE जो है उनको जो है मूवमेंट देते हुए दिखाई दे सकती है मनी इन द बैंक 2021। तो वही थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक, आप इवन कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि हमारे पैनल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।